दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि गूगल पे की लिंक को रेफर करके पैसे कैसे कमाया जाता है। गूगल पे की लिंक को रेफर करके पैसे कमाने के लिए बेसिकली आपको करना क्या रहता है कि आप अपने गूगल पे से किसी को भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को गूगल पे की लिंक को सेंड करेंगे और वो उस लिंक से गूगल पे को डाउनलोड करता है और उस पर एक अकाउंट बना के और अपने बैंक अकाउंट को ऐड करके उससे फर्स्ट UPI ट्रांजेक्शन करता है, भले वो 1 रुपये किसी को भी ट्रांसफ़र कर दे। तो उससे क्या रहता है कि आपको भी 101 रुपये का कैशबैक मिलता है और जिसको आप फ़ोनपे की लिंक को सेंड करेंगे उसको 21 रुपये का कैशबैक मिलता है। अभी करेंट में ये कम ज़्यादा होता रहता है कभी कभी, ओके। तो इस टाइप से रहता है। अब आपको क्या करना है, आप अपने गूगल पे ऐप में चले जाएँ और ओपन कर लेने के बाद में नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनवाइट योर फ्रेंड्स, तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आपको ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है तो और कहीं पे मिल जाएगा, ये चेंज होता रहता है कभी कभी, ओके। तो आप यहाँ पे इनवाइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं शेयर पे क्लिक करेंगे आप। अब यहाँ से आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे आप किसके माध्यम से शेयर करना चाहते हैं। आप अपने व्हाट्सएप मैसेज ईमेल आईडी के द्वारा भी यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, तो हम अपने व्हाट्सएप से सेंड करेंगे, ओके। व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जिसको भी सेंड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके और इस टाइप से सेंड कर सकते हैं, ओके। अब जिस भी व्यक्ति को आपने गूगल पे की लिंक को सेंड किया है वो अपने व्हाट्सएप में आएगा और यहाँ पे उसको एक लिंक मिलेगी ये नीचे और वो उस लिंक पे क्लिक करेगा। आप प्ले स्टोर में आ जाएंगे और यहाँ से आपको गूगल पे ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, ओके। और इंस्टॉल कर लेने के बाद में आपको ओपन कर लेना है। अब गूगल पे में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना नंबर टाइप कर लेना है, मोबाइल नंबर। आप यहाँ पे अपने उस मोबाइल नंबर को टाइप करेंगे जो मोबाइल नंबर आपका आपके बैंक अकाउंट में लिंक होगा, ओके। और ये टाइप कर लेने के बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल पे में आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन चुका है, ओके। अब हम यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट को गूगल पे में लिंक करेंगे, ओके। तो स्टार्ट में ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड बैंक अकाउंट का, ओके। और आपको यदि यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो ऊपर आप साइड में आइकॉन देख सकते हैं, ये प्रोफाइल आइकॉन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड ए बैंक अकाउंट, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है आप वो बैंक यहाँ पे सर्च कर लें, ओके। और सर्च कर लेने के बाद में उस पर क्लिक कर दें, जैसे हमारा एक्सिस बैंक में है तो हम एक्सिस बैंक पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप सेंड SMS पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर में या तो 1.5 रुपये का बैलेंस होना चाहिए या फिर कोई फ्री SMS पैक होना चाहिए जिससे ये वेरीफाई करता है, ओके, SMS सेंड करके। अब यहाँ पे हम अपनी एक UPI ID बनाएंगे जिससे क्या होता है कि आप कभी भी किसी को ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी आपको ज़रूरत रहती है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोंट नो योर UPI पिन, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप अपने ATM कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड के लास्ट के 6 अंक डालेंगे, ओके। और नीचे आप यहाँ पे एक्सपायरी डालेंगे, एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर अपने ATM कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड की, ओके। और ये डाल लेने के बाद में आप ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और ये डिटेक्ट कर लेगा उसको, ओके। अब नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट UPI पिन, आप यहाँ पे अपना एक UPI पिन क्रिएट कर लें। अपना एक UPI पिन सेट कर लेने के बाद में आप ओके कर दें। अब यहाँ पे आपने अभी ये जो UPI पिन बनाया था आप उसको दोबारा टाइप कर लें यहाँ पे और ओके कर दें। अब यहाँ पे अपना नेम देख सकते हैं आप, आपका यदि नेम गलत है तो आप यहाँ से इसे सुधार सकते हैं और इसके बाद में आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब हम यहाँ पे अपनी UPI से किसी को भी पैसे सेंड करेंगे जिससे हमें कैशबैक मिल सके, ओके। तो आप यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन देख सकते हैं प्लस न्यू पेमेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको नीचे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं तो आप यहाँ पे नीचे UPI ID और QR पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे UPI ID सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपनी UPI ID टाइप करेंगे जिस भी UPI ID पे आप पैसे सेंड करना चाहते हैं, ओके। यहाँ पे आप अपने फ्रेंड वगैरह की UPI ID लेके उस पे पैसे सेंड कर सकते हैं, ओके।
और टाइप कर लेने के बाद में आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप नीचे पे पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा कि आप कितने रुपए सेंड करना चाहते हैं। यहाँ पे आप नॉर्मल 1 रुपए भी सेंड करेंगे तो भी आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 रुपए टाइप कर लेंगे। अब यहाँ पे आप अपनी UPI पिन को टाइप करेंगे जो हमने अभी क्रिएट किया था, ओके। और टाइप कर लेने के बाद में आप ओके कर देंगे। इस टाइप से आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को पैसे सेंड करके कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं, ओके। और आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं रिवार्ड्स, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपको कैशबैक मिला है या नहीं मिला है। ये कैशबैक आपको थोड़ी देर के बाद मिल जाता है या फिर कुछ टाइम का आप और भी वेट कर सकते हैं, ओके। और मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल पे ऐप का लिंक दे दिया है। यदि आप उस लिंक से गूगल पे को इंस्टॉल करते हैं और उस पर अपना अकाउंट बना के और अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके किसी को भी फर्स्ट UPI ट्रांजैक्शन करते हैं तो उससे आपको कैशबैक मिलेगा, ओके। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।